हाय गाइस, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनुपमा सीरियल से कुछ अपडेट्स। अनुपमा सीरियल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जो आपके वनराज हैं वो कॉफी पर लेके जाते हैं काव्या को। काव्या जो है वहाँ पर पहुँचती है और कुछ दोस्त जो हैं काव्या के वो भी वहाँ पे उनको जो है कॉफी पर मिलते हैं वनराज और काव्या को। तो यहाँ बातों बातों में वनराज जो है अपने लोन की बात शुरू करते हैं, अपने बिजनेस के लोन के बारे में। तो जो है काव्या काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है, पर आने के वो उस समय कुछ नहीं कहती, पर आने के वक्त वो वनराज को कहती है कि क्यों उन्होंने उनके दोस्तों के सामने लोन और ये सब की बातें की। और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है, इंसल्ट करती है वनराज को। तो तब वनराज कहते हैं कि उनसे उन्हें सीख बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब क्या बोला जाए, और वो भी गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें मुंह बंद करने के लिए, चुप होने के लिए कहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से वनराज और काव्या के बीच जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं रह रहा है, काफ़ी सारे मनमुटाव हो रहे हैं। और इसी बीच जो है काव्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिख रही है, चिड़ी हुई दिख रही हैं, और अनुपमा और वनराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं टैक्स को लेकर, जो प्रॉपर्टी टैक्स उन्हें भरना है और उसी के लिए इकट्ठा करने के लिए पैसों के बारे में दोनों ही सोच रहे हैं अनुपमा और वनराज, पर काव्या नहीं समझ पा रही है उस बात की गहराई को। और इसी के साथ हमें आगे देखने को देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या चीज़ क्या अपडेट आती है, क्या ये जो हमारे वनराज हैं ये अपने टैक्स के इस मामले को, अपने लोन को क्या किसी तरह चुका पाते हैं, या फिर अनुपमा उनकी किसी तरह से मदद कर पाती है। आप हमारे साथ बने रहिए यूं ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिने स्पीक्स।